शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है ब्रह्म शिव है अविनाशी है। श्वेतास्त्र उपनिषद का ही यह विषय है जहां पर ब्रह्म को शिव भी कहा जा रहा है अविनाशी भी कहा जा रहा है और भी कई उपमाएं दी जा रही हैं तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो टाइटल लिए जाते हैं कल भी मैंने कहा था ये जो टाइटल लिए जाते हैं वो टाइटल श्लोकों से ही लिए जाते हैं। श्लोकों में जो वर्णन होता है उन्हीं से टाइटल लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई टाइटल ले लिया गया अपनी मर्जी से। तो कल भी किसी भाई साहब ने यह कहा था कि भाई यह टाइटल सही नहीं है तो वो श्लोक में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं से ये निकाले जाते हैं। इसीलिए जब भी आप टाइटल देखें और ऊपर अगर लिखा हुआ है ग्रंथ का नाम, हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लाइव चर्चा लिखा हो कोई ग्रंथ का नाम ना लिखा हो, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है श्वेतास्त्रोपनिषद 13वां 13 मतलब 13वां व्याख्यान श्वेतास्त्रोपनिषद पर यह है। तो इसीलिए जब आप टाइटल देखते हैं तो साथ में उसका विषय जो जिस ग्रंथ से लिया गया है उसको भी साथ में जरूर देख लें आप। तो उससे क्या होगा कि स्पष्ट हो जाएगा कि भाई इस पर चर्चा है तो इस ग्रंथ में कोई ना कोई ऐसी बात लिखी होगी। अगर लिखा गया कि भाई मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधि तो यह कोई भ्रमित करने का काम नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है श्वेतास्त्रो उपनिषद अर्थात उस उपनिषद के आधार पर चर्चा होगी। वैसे ही आज अगर यह कहा जा रहा है कि ब्रह्म शिव है, ब्रह्म शिव है, ब्रह्म और क्या है अविनाशी है, तो ऐसा ऐसी चर्चा श्वेतास्त्रो उपनिषद में की गई होगी ना, तभी यह लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसी प्रकार से इस विषय को समझें और इस विषय को समझकर आगे बढ़ें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम विषय चर्चा शुरू करते हैं। तो श्वेतास्त्र उपनिषद के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आज हम चर्चा प्रारंभ करें। 3 से 4 श्लोकों पर चर्चा आज होगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उस पर चिंतन करेंगे और क्यों कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहा गया है कि ब्रह्म शिव है तो ऐसा क्यों कहा गया है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर कहा गया है ब्रह्म अविनाशी है तो उसका मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं इस श्लोकों में कैसी चर्चा है। तो सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव। कहा गया सर्वानन शिरो ग्रीवः, वह सर्वानन सब ओर मुख वाला भगवान अस्तस्मात, वो भगवान है, वह भगवान सब ओर मुख वाला सिर और ग्रीवा वाला है। सर्वभूत गुहाशय, समस्त प्राणियों के गुहा में अर्थात हृदय गुहा में निवास करता है। सर्वव्यापी है इसीलिए वह शिव सर्वगत सब जगह पहुंचा हुआ है। शिव क्यों कहा गया यहां पर, शिव कहने का तात्पर्य क्या है, कल्याण स्वरूप। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, कल्याणमयी, जो कल्याणमयी है वही तो शिव है। तो इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणमयी। तो वह भगवान सब ओर मुख वाला ग्रीव वाला समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करने वाला सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी है। ठीक है, सर्वानन शिरो ग्रीव सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवान अस्तस्मात् सर्वगतः शिव। सर्वव्यापी है और इसीलिए वह कल्याण स्वरूप शिव सब जगह पहुंचा है। अर्थात जो सर्वव्यापी सत्ता ब्रह्म है उसी को यहां पर
शिव भी कहा जा रहा है। तो यह शिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तो शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, शिव का अर्थ है कल्याणमयी। तो जो कल्याणमयी है, जो कल्याण स्वरूप है, सबका कल्याण जिनके माध्यम से होने वाला है, जो कल्याण के हेतु हैं, वह शिव हैं। क्यों? तो शिव ब्रह्म है यहां पर, ब्रह्म शिव है यहां पर। तो यहां पर जब शिव कहा जा रहा है तो वह शिव देवता रूपी शिव को नहीं कहा जा रहा, यहां पर ब्रह्म को शिव कहा जा रहा है जो सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वगुत है। सर्वगत मतलब जो गत मतलब पहुंचना, जो हर स्थान पर पहुंचा हुआ है, जो सब में व्याप्त है, उसके लिए कहा जा रहा है। और सर्वभूत गुहाशय, जो सबके भीतर, सर्वभूत गुहाशय जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में जो विद्यमान है, वह शिव वह ब्रह्म है। ठीक, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह कल्याणमयी है, क्योंकि उसके माध्यम से जीव का कल्याण होता है, उसके माध्यम से जीव का कल्याण होता है, इसीलिए उसे यहां पर शिव कहा गया है, उसे सर्वगत कहा गया है, उसे सर्वभूत गुहाशय कहा गया है, उसे सर्वव्यापी कहा गया है। इस श्लोक के अंतर्गत सर्वव्यापी, सर्वभूत गुहाशय और शिव, इन तीन शब्दों से उसे उपमा दी जा रही है इस 11वें श्लोक में, तीसरा अध्याय श्वेतास्त्रोपनिषद, तीसरा अध्याय 11वां श्लोक। उसे सर्वभूत गुहाशय, सर्वव्यापी और शिव नाम से उसे पुकारा जा रहा है। शिव क्यों कहा जा रहा है? तो यहां पर शिव का अर्थ है कल्याण रूप, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त कर लेने से, ब्रह्मलीन हो जाने से आवागमन छूट जाता है, आना जाना छूट जाता है। जीव का जो आवागमन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, संसार में आना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना जी। तो बार बार वही सब काम करना, क्या कर लेगा आदमी इंद्रियों से, और क्या देख लेगा? उसी सूरज को देखेगा, उसी चांद को देखेगा, वही आनंद जो इंद्रियों के माध्यम से जो सुख भोग, सांसारिक भोग हो सकते, वही तो करेगा ना, और क्या कर लेगा? तो उसमें पड़ा पड़ा जीव जब सोचता है कि भाई नहीं, अब मुक्ति चाहिए, अब इससे निपटारा चाहिए, जब ये तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है, तो वह ब्रह्म की ओर दौड़ता है, आत्मा की ओर दौड़ता है। तो उस आत्मा को ही शिव कहा गया है। इसीलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। क्यों कहा गया? मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रिया हूं, ना श्रोत्र हूं, ना जिह्वा हूं, ना नासिका हूं, ना मैं प्राण हूं, मैं कौन हूं? शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं कल्याण रूप हूं, कल्याण रूप हूं, कल्याण रूप हूं, शिव कहने का तात्पर्य। तो आत्मा को भी शिव कहा जा रहा है, ब्रह्म को भी यहां पर शिव कहा जा रहा है। शिव का मतलब कल्याण रूप। ठीक, अगले श्लोक में देखे, 12वें श्लोक में फिर क्या चर्चा हो जाती है। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वशेष प्रवर्तक सुनीर मला मिमां प्राप्ति मिशानो ज्योतिरव्यः। निश्चय ही यह महान समर्थ, सब पर शासन करने वाला, अविनाशी, ज्योति रूप, प्रकाश स्वरूप परम पुरुष अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। कि यह अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है, क्योंकि अंतःकरण ही तो दुख का भोग करता है। ठीक है,
तो विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण को यह प्रेरित करता है, हर एक मनुष्य को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकार सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणा के अनुसार प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करता, यह उसका दुर्भाग्य है। तो यह जो अविनाशी शिव है, ब्रह्म है, यह महान समर्थ सब पर शासन करने वाला प्रकाश रूप पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति के लिए प्रेरित करता रहता है कि जब तक तुम मेरी ओर अपना कदम नहीं बढ़ाओगे, तुम जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, तो जब तक तुम मेरी ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलने वाला, सुख नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाली। इस बात को लेकर वह प्रेरित करता रहता है कि यह मनुष्य सुख को ढूंढेगा, परम सुख को, शाश्वत सुख की तलाश करेगा, खोज करेगा, शाश्वत सुख को ढूंढेगा, जानने की कोशिश करेगा। ठीक, तो जब जानने की कोशिश करेगा तो निश्चय ही जान जाएगा एक दिन। तो इसीलिए वो प्रेरित करता है कि तुम मेरी ओर बढ़ो, तुम मेरी ओर आओ। फिर आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ठा हृदा मन विशो मनसा भिक्लिप्तो यह एतत विदुर मृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। अंगुष्ठ मात्र मतलब उस परिमाण वाला, उस महत्व वाला अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से जनानाम हृदये सन्निविष्ठिम। तो मन का स्वामी है, विशुद्ध मन से ध्यान में लाया हुआ जो इसका ध्यान करेगा, जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, विशुद्ध मन को विशुद्ध कर लेते हैं ध्यान योग द्वारा, वो इसको जान लेते हैं और वो अमर हो जाते हैं, अमृता भवंती। एतत विदुर अमृतास्ते भवंती, ऐसे लिखा हुआ है। तो जो हृदय में रहने वाले अंगुष्ठ मात्र उस अंतरात्मा को, अंतर्यामी जो परम पुरुष है, जो ब्रह्म रूप है, उसको अपने हृदय में ध्यान योग से ध्यान में लाकर अभिक्लिप्त अर्थात मन को विशुद्ध कर मन का शोधन करके जो निरंतर ध्यान योग में, ध्यान योग के द्वारा उस आत्मा को जान लेते हैं, वो अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, अमृता भवंती, अमृता, वह अमृता हो जाते हैं। अमृता मतलब जो कि अमर है, जो उस आत्मा को जान लेते हैं। तो फिर से यहां पर एक बार ध्यान योग की ओर प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। फिर कहते हैं, सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठत दशांगुलम्मा। वह परम पुरुष हजारों सिर वाला, सहस्रों आंख वाला, हजारों पैरों वाला और समस्त जगत सब ओर से घेर कर दशांगुलम अति अतिष्ठत, अर्थात दशांगुलम अतिष्ठत। यहां पर दशांगुलम का अर्थ क्या है? हजारों सहस्रों, चलो इसमें संख्या लिखी जा रही है क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य तो भावनाओं की अभिव्यक्ति करेगा और जब भावनाओं की अभिव्यक्ति करेगा तो भाव युक्त बातें भी करेगा। इसीलिए यहां पर ब्रह्म की चर्चा में पहले ही ब्रह्म को देव कह दिया गया है, क्योंकि जब भी आप वाणी से चर्चा करोगे, आपस में चर्चा करोगे तो भाव युक्त हो जाएगा और जब भाव युक्त होगा तो वो ब्रह्म की ओर इशारा तो करेगा लेकिन ब्रह्म नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्म भावातीत है, ब्रह्म त्रिगुणातीत है और जितनी चर्चाएं हैं वह त्रिगुणी माया के अंतर्गत आएंगी, जितनी चर्चाएं हैं वह भाव युक्त भावनाओं के अंतर्गत आएंगी। तो इसीलिए उस ब्रह्म को पहले ही देव रूप में माना गया और फिर उसकी चर्चा शुरू की गई, ताकि आप समझ लो
कि वह भावातीत है, वह त्रिगुणातीत है, जितनी भी चर्चाएं हैं कि वह शिव है, रुद्र है, अविनाशी है, अघोरी है, ये सारे उसकी ओर इशारा मात्र करती हैं, इशारा मात्र करती हैं बस। तो उस तक पहुंचा कैसे जाएगा? वह ध्यान योग से ही संभव है, वह ध्यान योग से संभव है कि हम उस तक पहुंच सके, अन्यथा बस इशारे हैं, इशारे इशारे दिए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ठीक। तो विशेष रूप से इस विषय को समझना है। तो यहां पर इस श्लोक में भी क्या कहा जा रहा है? सहस्त्र शिरसा, हजार सिरों वाला वह परम पुरुष, हजार आंखों वाला, सहस्त्र पाद, हजार पैरों वाला, सहस्राक्ष, हजार आंखों वाला, समस्त जगत को सब ओर से विश्वतः वृत्वात घेर कर दशांगुलम्मा, अर्थात वह दशांगुलम स्थिति में है। दशांगुलम स्थिति यहां पर जो इस जगत के पार है, यह जगत इंद्रियों में है, इंद्रियां कितनी है? 10। वैसे दशांगुलम शब्द का अर्थ कुछ और भी लिया गया है टीकाकार महोदय के द्वारा, लेकिन जो इसका मुख्य अर्थ है उस ब्रह्म की चर्चा यहां पर हो रही है। तो दशांगुलम मतलब कि 10 उंगलियों से ऊपर उठकर वह स्थित है, या दशांगुलम किसे कहते हैं, उंगुलियां किसका अर्थ निकालती हैं, अंगुलियों का अर्थ यहां पर इंद्रियों से है। तो 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जो कि मन के द्वारा संलग्न है, मन की इच्छा से कार्य करती हैं, प्राणों का प्रवाह होता है और वो कार्य करती हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 से परे, दशांगुलम इन 10 से परे वह स्थित है, अर्थात वह सब पर शासन करने वाला, हजारों मुखों से खाने वाला, हजारों चक्षुओं से देखने वाला, हजारों सिरों वाला। यद्यपि यहां पर सहस्र शब्द का प्रयोग है, हजारों मतलब मनुष्य जब भी कुछ कहेगा तो कुछ ना कुछ उसको भाव देगा, तो यहां पर हजारों का भाव दे दिया गया है। लेकिन सत्य है कि वह असंख्य सिरों वाला, असंख्य, अब हजार भी नहीं कहा गया, हजारों कहा गया है। अब हजारों में कितने भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 100,000 भी हो सकते हैं, 200,000 भी हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? तो हजारों यहां कहने का तात्पर्य असंख्य सिर वाला, असंख्य चक्षुओं वाला, असंख्य भुजाओं वाला, असंख्य भुजाओं से, असंख्य सिरों से, असंख्य नेत्रों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर, संपूर्ण सृष्टि पर अपना शासन कर रहा है, सबको सकाश दे रहा है, उसके सकाश से ही यह प्रकृति क्रियाशील हो रही है, उसके सकाश से ही प्रकृति आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। तो यह दशांगुलम, अब वह जो है इस प्रकार से शासन करते हुए इंद्रियों के परे, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इनके परे टीकाकारों ने अर्थ लेते हुए यह भी अर्थ बता कहा है कि शायद हृदय मतलब नाभि से 10 उंगली ऊपर, ऐसा भी मान लिया है, लेकिन यह टीकाकार की कल्पना है। अगर हम ज्ञानियों की चर्चा सुनेंगे या समझेंगे तो वो साफ कहते हैं दशांगुलम अर्थात इन इंद्रियों के परे, बियॉन्ड सेंसेस, इसका अर्थ यह है, ठीक। तो यह हमें इस विषय को इस प्रकार से समझना है। तो दशांगुलम ब्रह्म की स्थिति को बताई जा रही है कि 10 इंद्रियों से परे, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इन सबसे परे, हजार भुजाओं वाला, हजार सिरों वाला, हजार चक्षुओं वाला, हजार पैर वाला वह सब पर शासन करता है, ठीक है। तो यह चर्चा यहां पर इन 4 श्लोकों में हम देख रहे हैं। तो यहां पर इन शिव है, दशांगुलम्मा है, सहस्र शीर्षा है,
कई उपमाएं कई नाम ब्रह्म को दिए गए, अंगुष्ठ मात्र कहा गया, दशांगुलम कहा गया, ठीक है, फिर उसे शिव कहा गया, उसे रुद्र कहा गया, अविनाशी कहा गया, सर्वव्यापी कहा गया, सर्वगत कहा गया, सर्वभूत गुहाशय कहा गया, तो अनेकों नाम से यहां पर बताया जा रहा है और शिव कहा जा रहा है। तो शिव क्यों कहा जा रहा है, शिव शब्द का अर्थ क्या है, अविनाशी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वह सृष्टि उसकी स्वयंभू है, वो उसकी सृष्टि नहीं होती, वह स्वयंभू है, तो जो स्वयंभू है उसका प्रलय भी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी, तो अविनाशी ही तो हुआ ना, फिर वो अविनाशी ही हुआ। तो ये चर्चाएं, ब्रह्म को शिव कहा गया, ब्रह्म को अविनाशी कहा गया, अंगुष्ठ मात्र कहा गया, सर्वगत कहा गया, सर्वव्यापी कहा गया, सर्वभूत गुहाशय कहा गया, सहस्र शीर्षा कहा गया, सहस्र पातक कहा गया, सहस्र चक्षुः कहा गया, ठीक है, और दशांगुलम कहा गया। तो इतने नामों से ब्रह्म को इतने बातों से बताया जा रहा है। अब वो गुणातीत फिर भी उसे गुण दिया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो त्रिगुणमयी माया के अंतर्गत है। तो इशारे के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये सारी बातें उपनिषदों में लिखी गई है कि हमें इस ओर बढ़ना चाहिए। ठीक, श्री राहुल कुमार जी, अब चलिए आप कमेंट्स पर चलते हैं, आपने क्या क्या पूछा है उस कमेंट पर हम चलते हैं और चर्चा करते हैं। राहुल कुमार जी, श्री गुरु जी नमस्कार, कृपया यह बताएं कि उपमा ही देना है तो रुद्र या शिव जी की क्यों, और भी देवता हैं उनकी क्यों नहीं, और भी दिए गए हैं जी, दिए गए हैं, और भी पीछे के भी उपनिषदों में चर्चा में आ चुका है, भगवान के जो है अनंत शयनम की उपमा भी दी गई है, गीता में तो कृष्ण की उपमा है ही, ठीक है। तो यह तो समझाने के लिए, और अर्थ भी तो बदल दिया जा रहा है। मान लो कि यहां पर अगर शिव शब्द का प्रयोग हुआ है तो देव शिव देवता रूपी जो शिव है उनको नहीं कहा जा रहा, साफ साफ, अगर उनको कहा जाता तो कुछ और शब्द प्रयोग होते फिर, तो वो ना कहकर, और वैसे भी शिव कौन है यह सती भी नहीं जान पाई, सती को दोबारा जन्म लेना पड़ा, शिव कौन है ये जानने के लिए दोबारा पार्वती रूप में जन्म लेना पड़ा, तब सती को पता चला कि वास्तव में यह शरीर जो त्रिशूल धारण किए हुए है, जो गले में वासुकी नाक को बिठाए हुए है, यह शरीर शिव नहीं है, यह रूप शिव नहीं है, वो मोर मुकुट पहनने वाला, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला, वह कृष्ण ब्रह्म नहीं है, ठीक है, उस रूप को ब्रह्म नहीं कहा गया, उस शिव के उस रूप को ब्रह्म नहीं कहा गया, ठीक, इस अंतर को समझिए, नहीं तो सती की तरह भटकना लगा रहेगा, कल्याण कभी नहीं होने वाला। जिस तरह से सती का त्याग भगवान शिव को करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, मूल कारण क्या था, शिव ने सती का त्याग कर दिया, क्यों कर दिया जी सती का त्याग, क्योंकि सती शिव को नहीं जानती थी, शिव की अर्धांगनी होकर भी शिव को नहीं जानती थी, ठीक है, क्यों, अब भाई साथ रहती है फिर भी नहीं जानती है, पार्वती जी के साथ भी यही विडंबना थी, लेकिन पार्वती जी ने संशय नहीं किया, प्रार्थना की, सती ने संशय किया, सती ने तर्क वितर्क किया, ठीक। तो अगर अभी भी किसी फोटो को शिव समझ लोगे, किसी खास रूप को शिव समझ लोगे, तो फिर वही गलती करोगे जो सती ने किया, वही गलती करोगे जो रावण ने किया, ठीक है, तो फिर तुम भी कभी शिव तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए शिव क्या है, शिवम परम चैतन्यम, परम चेतना ही शिव है, वह आत्मा ही शिव है, जो नेत्रों से परे है, शिवो हम न च घ्राण नेत्रे न नासिका न नेत्र, जिन्हें आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, शिव तो वो है जिसे आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, निर्वाण अष्टकम में जिस शिव की चर्चा की गई, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे शिव और शंकर अलग अलग है, जी नहीं, शंकर का भी अर्थ वही है कल्याणमय, शिव का भी अर्थ वही है कल्याणमय,
फर्क इतना है भावनात्मक और भावातीत। भाव रूप में शिव देवता है, भावातीत रूप में ब्रह्म है। तो जो वास्तविक रूप है वह तो त्रिगुणातीत है, वह तो माया के परे है। उसी रूप को सती कभी नहीं जान पाई, इसीलिए शिव कहने का अर्थ यहां पर, अब वेदों में कई जगह पर है, तनमे मना शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्पों को धारण करो। तो इसका मतलब क्या, शिव जी को धारण करो? जी नहीं, शिव संकल्प मतलब कल्याणमय संकल्प, कल्याणमय संकल्पों को धारण करो, यह उपदेश है वेदों का। तो इसीलिए सही तरीके से तथ्यों को समझना पड़ेगा, नहीं तो जब गलती होगी तो जो गलती रावण ने कर दी थी, क्योंकि वो शिव तत्व को नहीं जानता था। अगर शिव तत्व को जानता, रावण भी शिव भक्त था लेकिन शिव तत्व से अनभिज्ञ था, क्योंकि शिव और राम में कोई भेद नहीं है। इसीलिए अगर आप कथाओं, पुराणों की भी कथाओं पढ़ेंगे तो यह प्रमाणित होता है कि शिव और विष्णु में भेद नहीं है, भेद नहीं माना गया है। इसीलिए हरिहर नाथ भगवान की पूजा होती है कई जगहों पर, हरिद्वार में, यहां पर सोनपुर क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहां पर ऐसे मंदिर है जहां पर शिवलिंग में ही विष्णु और शिव दोनों की पूजा होती है, एक ही मंदिर में, एक ही साथ, एक ही मूर्ति में। क्यों? क्योंकि एक है। रावण इस रहस्य को नहीं जानता था, ठीक, कि शिव और राम में भेद नहीं है। इसीलिए भगवान राम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सोनर सपने हूं मोहि नहीं पावा। जो शिव द्रोही है, अगर अपने आप को मेरा भक्त मान ले और शिव से द्रोह करे, जैसे प्रजापति दक्ष ने किया, शिव से द्रोह किया, और रावण से गलती क्या हुई कि राम से द्रोह, शिव का प्रेमी बनने चला। राम से द्रोह रहेगा ही नहीं जो शिव से प्रेम कर लेगा। जिसको शिव, जिसने शिव को जान लिया, उसको राम से, या राम से कोई द्रोह उसको रह ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही तत्व है, तत्व रूप में दोनों एक हैं। तो यह भ्रम अगर पाल के बैठोगे तो बहुत बड़े भ्रमित जीवन जी रहे हो। फिर तत्व ज्ञान से तो मिलो दूर हो, कोसो दूर हो, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक। तो और भी देवताओं की चर्चा अलग अलग उपनिषदों में मिलती है, इसी पीछे तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद में भी चर्चा आ चुकी है कुछ। विक्रम सिंह जी, अभिनंदन। जमाल खान जी, ईश्वर भी की वृत्ति सतरजतम है, ईश्वर इनसे परे है, सतरजतम से परे है, त्रिगुणातीत है। नरोत्तम मिश्रा जी, अभिनंदन। जगत नारायण जी, परम पूज्य आदरणीय गुरु जी के, विश्व यात्री जी, ओम नमः शिवाय। स्मिता सावंत जी, गोपाल शर्मा जी, ज्योति दत्ता जी, शिव आदि अनादि अनंत एकाक्षरम ब्रह्म। जी हाँ, शिव अनादि अनंत सत्यम शिवम सुंदरम, सही बात है। राजू पाल जी, आशीष तालुकदार जी, एस के मिन्हास जी, गुरु जी सादर प्रणाम। आशीष तालुकदार जी, माधुरी कोले, राम निवास मीना, जय श्री कृष्ण जी, भूप राम खीचर जी, ओम प्रकाश माली, अभिनंदन जी, सबका अभिनंदन है। भरत छबलानी जी, अनिल कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, आशीष तालुकदार जी, गुरु जी समाधि का अर्थ क्या है? क्या समान बुद्धि है? जी नहीं, समाधि का अर्थ समान बुद्धि नहीं है, सम की अवस्था। अधि का तात्पर्य अवस्था से है, तो सम अवस्था ही समाधि है, समता, तीनों गुणों की सम अवस्था में जब हम प्रवेश करने लग जाते हैं, तीनों गुणों की समता जब स्थापित होने लग जाती है, तो उस प्रक्रिया को ही समाधि कहते हैं। कुछ देर के लिए वो प्रक्रिया है और फिर अवस्था है। तो दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में जाने में जो समय लगता है या जो अवधि लगती है वो समाधि है, ठीक है, बुद्धि नहीं। समान बुद्धि को नहीं समाधि कहा गया, रिसर्च कर सकते हैं शब्दों के ऊपर। जयंती भाई पटेल जी,
भीम सिंह मीना जी, रमेश चोपड़ा जी, अभिनंदन बलदाऊनाथ योगी जी, बिमला शाह जी, उदय शंकर जी, जय श्री कृष्ण, सरोज कृष्णानी, पिंटू वासवा, बिमला शाह, पप्पू सिंह, राकेश पांडे, ब्रह्मपाल कुमार, गुरु जी, ओम नमः शिवाय, कन्हाई कुमार, ओम तत्सत। संपूर्ण अध्यात्म को उत्कृष्ट ढंग से बताने का इस अथक प्रयास में जो मेडिटेशन की जो विधियां हैं उत्कृष्ट हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया, ध्यान योग की क्लासेस की, ध्यान योग कोर्स किया और ध्यान का लाभ उठा पा रहे हैं। निश्चय ही उठाएं और आगे बढ़ते रहें। भगवान शिव मेरे इष्ट हैं और वो ही निराकार हैं। चलो जी, गुरु, जीव की उत्पत्ति क्यों हुआ और कैसे हुआ? परमात्मा ने जीव की उत्पत्ति क्यों किया? कृपया बताएं। त्रिगुणे माया के वशीभूत, त्रिगुणी असंतुलन के वशीभूत स्वयं ही जीव उत्पत्ति में आता है। स्वयं ही जीव उत्पत्ति में आता है, उसने किया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं किया। उसने जीव को क्यों बनाया? उसने बनाया ही नहीं, सबसे पहली बात यह है। प्रकृति के प्रादुर्भाव से, प्रकृति के प्रादुर्भाव से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव कोई एक चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, ठीक ना, कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन है, यह कोई एक चीज नहीं है, ये कई चीजों की असेंबलिंग है। वैसे ही जीव भी कई चीजों की असेंबलिंग है। तो प्रकृति की त्रिगुणी माया से जीव अस्तित्व में आता है, ना कि विशेष रूप से ईश्वर ने उसे बनाया हो, ऐसा नहीं है। प्रकृति के त्रिगुणी माया से जीव अस्तित्व में आता है। जैसे कि जल में, जल मिलने से अगर दो धाराएं आपस में मिल जाएं तो बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो भाई, बुलबुलों को किसने बना दिया? इसका कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति के द्वारा ही जीव बनता है, या फिर कहिए कि अस्तित्व में आता है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार जी, सागर बद गुजार जी, क्या एक साधारण मनुष्य विष्णु या शिव के जैसा बन सकता है? योग करेगा तो उनसे भी आगे निकल सकता है। योग करना पड़ेगा, एक जन्म में नहीं, दो जन्म में जरूर बन जाएगा, तीन जन्म में अपनी साधना से जरूर बन जाएगा जी। और हो सकता है अगर साधना सतत प्रयास से करे तो एक ही जन्म पर्याप्त है, ठीक। तो शिव और विष्णु के जैसा बन सकता है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई ना जही परलोक सवा। मनुष्य को योग तो करना पड़ेगा। तो योग की कभी आप ये प्रश्न मत कीजिए, आप चले जाइए हमारे चैनल पर, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद का प्लेलिस्ट है, विभूति पाद के प्लेलिस्ट को सुन लीजिए। वहां पतंजलि ने सिद्धियों की जब वर्णन की है तो मनुष्य एक योगी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बताया। वो सृष्टि कर सकता है, वह निर्माण कर सकता है, वो पंचभूतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है, और बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है, सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन किया गया है। आप उसे पढ़िए या सुनिए, हमारे चैनल पर जाइए, विभूति पाठ सुनिए, इसका उत्तर और अच्छे से मिलेगा। संजय कंबाड़ जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, आशीष तलुकदार जी, नरक कहाँ है? 14 लोक में तो कहीं पर भी नहीं है, नरक कर्मों का फल है, ठीक। 14 लोक चर्चाएं कई लोगों की जा सकती हैं, नरक जो है कर्मों का, बुरे कर्मों का फल है। शिव यानी ब्रह्म, जीव यानी आत्मा, क्या ये सही है? जी नहीं, सही नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद नहीं सुनते आप, प्रश्न करते हैं, शायद प्रश्न करना मात्र ही उद्देश्य है। अगर प्रश्न करना मात्र ही उद्देश्य है तो फिर व्यर्थ है। फिर सुनिए,
एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा की जा चुकी है, अयम आत्मा ब्रह्म। सगर बद गुजार जी, वेद पुराण भविष्य, पुराण भविष्य पुराण, लोग कहते हैं कि मैं भी मिलावट की गई हो सकता है, कथा कहानियों में मिलावट की संभावना रहती है। संजय मोरे जी, ओम तत्सत। बलवंत सिंह गोहिल जी, परम श्रद्धेय योगी राजी शश्वत, वीना जी अभिनंदन, स्मृति रस्तोगी जी, प्रभात करवदार जी, गुरु जी, संत संत नमन, राम राम। चर्चा हो चुकी है योग सूत्र में, कैवल्य की चर्चा हो चुकी है। विश्वनाथ सिंह जी, जय श्री गुरु जी। धर्मेंद्र शर्मा जी, भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, क्या भगवान विष्णु अपने अंश अवतार होता है या स्वयं अवतार लेते हैं, और क्या क्या अवतारवाद पे भी वीडियो बनाओ, ये अवतारवाद का अलग विषय है, ठीक है। अवतार सिद्धों का होता है, ठीक। अवतार किसको किसका होता है, सिद्धों का होता है। तो सिद्धों का, विष्णु सिद्ध हैं इसलिए सिद्धों के निमित्त अवतार को विष्णु अवतार कहा जाता है। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जब वह शरीर धारण करते हैं, जीवन मुक्त, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर धारण करते हैं, तो उन्हीं योगियों को, सिद्ध योगियों को अवतार कहते हैं। उनका सामर्थ्य विष्णु से भी अधिक होता है, सच पूछो तो उनका सामर्थ्य उससे भी अधिक काम करता है, ठीक है। तो यह भावनात्मक विषय है, विष्णु कहना, शिव कहना, ब्रह्मा कहना भावनात्मक विषय है। सृष्टि के भाव को ब्रह्मा, पालन के भाव को विष्णु, संहार के भाव को शिव कह देते हैं। इसलिए देवता भाव रूप है, शब्द रूप है कहा गया है। चलिए, अगर एक साधारण मनुष्य को इंद्र बनना हो तो कितना इतना ध्यान करना पड़ेगा कि इंद्रियां उसके वश में आ जाए, तब वो इंद्र बन जाएगा। अरे भाई, इंद्रियों का राजा ही तो इंद्र है, ठीक। इतना करना पड़ेगा कि इंद्रियां, उसके जो सेंसेस हैं, उसे कंट्रोल में आ जाए। जिस दिन सारी इंद्रियां आपके वश में हो गई, आप इंद्र हैं, इतना ध्यान योग करना पड़ेगा। गुरु जी, परशुराम तो परमात्मा विष्णु के अवतार थे, फिर वो इतना क्रोधी क्यों थे, और राम और परशुराम एक ही टाइम पे दोनों कैसे मिले, कृपया ज्ञान दीजिए। यह आज का विषय नहीं, ठीक है, और इस पर पहले ही ज्ञान दे चुके हैं, ये समझ लीजिए। और परशुराम जी बहुत सौम्य थे, क्रोधी नहीं थे, बहुत सौम्य थे। क्रोध में आए कि भाई मेरा धनुष किसने तोड़ा, शिव जी ने दिया था, शिव का धनुष था, किसने तोड़ दिया, क्रोध में आए। लेकिन जैसे ही यह रहस्य प्रकट हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, तो परशुराम शांत हो गए, सौम्य हो गए, सौम्यता उनके अंदर आ गई, और श्री रामचंद्र जी को सारंग पाणि धनुष दे दिया, कहा कि अगर तुमने शिव के धनुष को तोड़ा तो तुम ही योग्य हो कि भगवान विष्णु का धनुष धारण करो। तो विष्णु का धनुष रामचंद्र जी को दे दिया, ठीक है। तो यह कहना कि वह क्रोधी नहीं थे, जहां क्रोध करना जरूरी था वहां उन्होंने क्रोध किया है, बस इतना ही है। अब आप कहोगे, आप मान लो कि अगर ये कहोगे कि परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो क्षत्रिय तो राम भी थे, क्षत्रिय तो राजा दशरथ भी थे, क्षत्रिय तो जनक भी थे, ठीक। तो बस प्रकृति को संतुलन में लाने के लिए कुछ पापियों का संहार किया था उन्होंने, बस इतना ही किया था। शिव गुरु के बारे में समझाएं, शिव गुरु कोई नहीं है, ठीक है। शिव गुरु को तो इसमें क्या कहना है, शिव अनादि गुरु है, मतलब उनका कोई आदि नहीं है, इसलिए पार्वती जी के वो गुरु भी हैं,
तो वैसे कोई शिव गुरु और कोई नहीं है, बस भगवान शिव ने माता पार्वती को जब ज्ञान दिया, तत्व का ज्ञान दिया, तो उसे शिव गुरु कहा गया। ठीक, संजय गौतम, शिव नाम परमात्मा का है, पार्वती नाम प्रकृति का है, शिव नाम के राजा भी हुए थे जो बहुत महान वैज्ञानिक थे। चलो भाई ठीक है, पता नहीं कौन से उपनिषदों में और शास्त्रों में ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि शिव नाम के राजा हुए थे जो महान वैज्ञानिक थे। हाँ, कोई कथाकार, कोई फिक्शनल राइटर, काल्पनिक कथा लिखने वाला अपनी सोच से, अपनी समझ से ऐसी टिप्पणी कर रहा हो तो बात अलग है। चलो जी, आप एक साधारण मनुष्य होकर इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उन युगों में जैसे रावण, दुर्योधन, कंस, इसको भी बहुत ज्ञान था, फिर भी इन्होंने इतने गलत कार्य किए, तो किसको ज्ञान था? दुर्योधन को ज्ञान था, रावण को ज्ञान था, कौन सा ज्ञान था, कैसा ज्ञान था? ठीक है, पहले तो इस पर विचार कीजिए कि गलत काम किए, क्या किए, और अच्छा काम किए, किस दृष्टि से देखते हैं, कौन सी दृष्टि है, पक्षपाती दृष्टि है, क्योंकि गलत को पहचानना ही बड़ा कठिन है। सही मायने में आप गलत को पहचान पाए, ये बहुत भारी परीक्षा होती है शिष्य, एक शिष्य के जीवन में। नहीं तो संस्थानवादी संस्थान का चश्मा लगाकर देखते हैं, संस्थानवादी, उनको लगता है कि फलानी संस्था में जो रहता है बस वही सही होता है, बाकी सब गलत हुआ करते हैं, तो उनको पाप नजर नहीं आएगा, जो पाप हो रहा होगा वो दिखेगा भी नहीं, उनको सब सही लगेगा, सब कुछ हरा भरा है, ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, तो बहुत भारी समस्या है। तो इसीलिए आप विवेकी बन पाए, ये बहुत ही गहरा विषय है, नहीं तो व्यक्ति को पुण्य की आड़ में कैसे पाप हो जाता है। अगर इसकी आंख उसे मिल जाए, विवेक, बस विवेक और आंख क्या, बस इतना ध्यान रखो कि अगर तुम्हारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तुम आध्यात्मिक के रास्ते पर चल पा रहे हो, तो निश्चय ही ठीक हो, नहीं तो निश्चय ही भटक रहे हो, कुछ ना कुछ गलत मान्यताओं के विरुद्ध के भ्रम में पले हुए, तुम भ्रमित हो कि तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, यही समस्या है। इसीलिए कई बातों को गहराई से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो गए थे कुछ और करने, होना कुछ और शुरू हो जाए, करने कुछ और लग जाएंगे, बनिया बन के बैठ जाएंगे, तो मैनेजर बन के बैठ जाएंगे, वास्तव में बनना योगी था, बनना ध्यान योगी था, लोग बन जाते हैं बनिया, लोग बन जाते हैं मैनेजर, सुपरवाइजर, संस्थाओं में जाकर, तथा कथित संस्थाओं में जाकर वो ये सब चीजें बन जाते हैं, लेकिन योगी नहीं बन पाते, समस्या यहां पर है। भावना धनु जी, सो ब्यूटीफुल चर्चा, अति उत्तम, अविनाशी गुरु जी, नरेंद्र कुमार जी, हरिओम स्वामी जी, ध्यान योग की क्लास कब स्टार्ट होगी? ध्यान योग की क्लास 11 तारीख से स्टार्ट होगी, 11 अगस्त से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 31 तारीख परसों से कर सकते हैं। संकल्प मिश्रा जी, जय श्री राम, ज्योति रजवानी जी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ठीक है जी, गुरु जी प्राण ऊर्जा है या वायु, मृत्यु के बाद क्या वायु और आकाश तत्व जीवात्मा के साथ जाते हैं? जी जरूर जाते हैं, वायु तत्व ही ले जाता है, उदान वायु ले जाता है जीवात्मा को, उदान वायु, ठीक है, और प्राण वायु तत्व है। हमारी पूजा पद्धति यज्ञ हवन के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से होनी चाहिए या मूर्ति पूजा के माध्यम से, कौन सा तरीका? मूर्ति पूजा भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, मंत्र भी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो जब आप हवन यज्ञ करोगे तो वहां भी मंत्र का प्रयोग करोगे, भावनाओं को तो अभिव्यक्त कर ही रहे हो, तो मूर्ति की स्थापना भी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है, बस इतना ही इस विषय में कहा जा सकता है।
अब क्या मूर्ति पूजा हमारी हमारा वो नहीं है, तो मीमांसा का अध्ययन कीजिए। आचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को उत्तर देते हुए मूर्ति का अर्थ भी समझाया है, ठीक है। तो इसीलिए यह ना कहे, यह भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति ने मूर्ति, कोई भी कला, जब आप पुराने कला कला अभिव्यक्तियों में जाइए, आप प्राचीन कला अभिव्यक्ति में जाइए, चाहे वो संगीत हो, संगीत कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्र कला हो, सबसे पहले चित्र और मूर्ति किसी परम शक्ति, किसी ईश्वर देवता, उसकी बनाई गई। गीत लिखे गए तो उन देवताओं के प्रति भक्ति भाव से लिखे गए, ठीक है। तो इसीलिए उसका आध्यात्मिक अध्यात्मिकरण पहले हुआ है। इसीलिए इस तथ्य को समझना है। तो मूर्ति तो बनाते ही थे, अगर मान लो आजकल तो फोटो बनती है, मूर्तियां बनती है, नहीं तो पहले ऐसे मिट्टी का एक लोंदा पिंडी रखकर उसी को मूर्ति मान लेते थे। पिंडी रखकर, जैसे कि नौ दुर्गा हैं तो नौ पिंडियां रख दी जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है, देवताओं का आवाहन मंत्रों के द्वारा किया जाता है। आप अग्नि हवन की बात कर रहे हैं, अग्नि हवन क्या है? देवताओं का दान है। जब आप हवन करते हैं तो देवताओं का दान करते हैं हवन के माध्यम से, ठीक है। अग्नि को मुख माना गया है देवताओं का। तो इसीलिए यह ना समझें कि मूर्तियां नहीं हुआ करती थी या बिल्कुल ही नहीं हुआ करती थी। हाँ, उनकी बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूर्तियों को बनाने की कला बहुत बाद में धीरे धीरे ज्यादा विकसित हो गई। पहले मात्र छोटा सा पिंड रखकर उसी को देवता रूप मानकर पूजा कर ली जाती थी, कोई विशेष हाथ पैर वाली मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। बाद में धीरे धीरे लोगों ने इस कला को और विकसित किया और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बनाया, ठीक है। तो श्रद्धा भाव अर्पित करने का साधन मूर्ति है। जैसे कि आप अपने माता पिता की भी फोटो वोटो रखते हैं और उनकी फोटो के प्रति आप श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं, तो माता पिता कौन है? माता पिता भी तो देवता है भाई, माता पिता भी तो देवता ही है, वैदिक देव हैं। वेदों के अंदर माता पिता को देव माना गया है, ठीक। तो कोई भी, हम वेदों, हम अवतारी पुरुषों को भी देवता मानते हैं, संतों को भी देवता मानते हैं अपना, तो क्या उनकी फोटो नहीं लगाते? ठीक है, तो विचार करें इस पर पहले पूर्ण। इसलिए कई लोग आ तो जाते हैं मुझसे पूछने के लिए कि मूर्ति पूजा फोटो, तो भैया तुम अपने गुरु की फोटो मत लगाओ। नहीं, गुरु जी को तो लगाएंगे, गुरु जी ने मना किया है किसी की नहीं लगाना। तो गुरु जी तो बड़े लालची हैं जी, गुरु जी तो बड़े स्वार्थी हैं। राम जी की फोटो हटवा दी, कृष्ण जी की हटवा दी, शिव जी की हटवा दी, अपनी फोटो चिपका दी कि भाई किसी की पूजा मत करो, मुझको बेरी कर लो, मेरी मेरी फोटो लगा के रखो, ठीक है। तो ऐसी चीजों से बचें। भावनाओं की अभिव्यक्ति, अगर विद्या की देवी सरस्वती की अभिव्यक्ति हम करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? अगर हम देवी दुर्गा की शक्ति के रूप में अभिव्यक्ति करते हैं मूर्ति में और भावना करते हैं तो उसमें बुराई? हाँ, पाखंड खत्म होना चाहिए, जो मूर्ति पूजा के नाम पर जो दूसरे काम जो पीछे से शुरू हो जाते हैं, गलत काम, वो दूर होना चाहिए। लेकिन श्रद्धा भाव से अगर मूर्ति भी श्रद्धा भाव को अर्पित, भावनाओं को अर्पित करने का माध्यम बनती है, तो फिर मूर्ति गलत नहीं है। और अगर आप कहते हो कि नहीं, देवी देवताओं की, हाँ, मूर्ति विषय देवी देवताओं का है, ब्रह्म का नहीं है, ये ध्यान रखें, ब्रह्म के लिए मूर्ति नहीं है, देवी देवताओं के विषय में ही मूर्ति है। तो अगर हम भावनाओं को अर्पित करने के लिए, शक्ति भाव को अर्पित करने के लिए माता दुर्गा, विद्या भाव के लिए माता सरस्वती, धन भाव के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं। हाँ, मूर्ति स्थापना करना, पूजा करना, फिर उसमें चंदा इकट्ठा करना, फिर बाद में लोग उसमें उसी चंदे से पार्टियां भी मनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पूजा के बाद खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो कई तरह के गलत काम होने शुरू हो जाते हैं, उनसे बचना चाहिए।
पाखंड नहीं करना चाहिए। जब विसर्जन करने जाते हैं तो उसमें भी बहुत तरह की चीजें लोग पाखंड करते हैं, बहुत तरह का दिखावा करते हैं, बहुत तरह का आडंबर करना शुरू कर देते, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए। लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति है तो गलत नहीं है। तो फिर हमें अपने माता पिता के प्रति भी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उनकी फोटो की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। गुरु के प्रति भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए गुरु की मूर्ति या फोटो की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अगर मूर्ति पूजा की बात करते, ठीक है। गुरु जी ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है साधना के लिए, जी बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ब्रह्मचर्य को क्या समझ रखा है यह आपका निजी विषय है। ब्रह्मचर्य मतलब सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सुख दुख में सम रहता है, लाभ हानि में सम रहता है, जय पराजय में सम रहता है, समता ही ब्रह्म है और ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य है। तुम क्या बोलोगे कि बूंद संभाल लो जी बस, ठीक है। तो अगर इतना ही जानते हो ब्रह्मचर्य के बारे में कि एक बूंद ना गिर जाए तो बहुत भारी समस्या में उलझे हुए। मैंने ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी देखे, चेहरा सूख गया, आंखें धस गई, क्रोध इतना पूछो मत, क्रोध से इतने भरे हुए कि बात बात पर तलमिला जाए, बात बात पर तनतना जाए, और अभिमान इस बात का कि मैंने 55 साल हो गया मैं ब्रह्मचारी रहा हूं। काय का ब्रह्मचारी भैया, अगर तुम्हें ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए था तो ब्रह्मचारी किस बात की। ब्रह्मचर्य मतलब हृदय से प्रेम की धारा बहे, जबरदस्ती वाली नहीं, सच्ची वाली। तो बिना ध्यान योग के ब्रह्मचर्य नहीं होता, बिना ध्यान योग के ब्रह्मचर्य नहीं होता, पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो सही मायनों में अब कृष्ण ब्रह्मचारी थे, कृष्ण ब्रह्मचारी थे, भगवान राम भी ब्रह्मचारी थे, राजा जनक भी ब्रह्मचारी थे, तीन विवाह करने वाले याज्ञवल्क ऋषि भी ब्रह्मचारी थे। ये कैसी बात है, महर्षि कश्यप भी ब्रह्मचारी थे, वशिष्ठ भी ब्रह्मचारी थे, विश्वामित्र भी ब्रह्मचारी थे। तुम बोलोगे विश्वामित्र वो तो मेनका आ गई थी ना, कहां गया ब्रह्मचर्य। तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही नहीं है, सबसे बड़ी तुम्हारी दुविधा ये है, तुम जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या चीज है। तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी थे, राम कैसे ब्रह्मचारी थे, राजा जनक भी ब्रह्मचारी थे, परम ब्रह्मचारी थे, तभी तो सुखदेव को जाकर झुकना पड़ा। सुखदेव जैसी तपस्वी को भी राजा जनक के चरणों में क्यों झुकना पड़ा, क्योंकि जनक सुखदेव से बड़े ब्रह्मचारी थे। तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का कुछ अता पता नहीं है, बस एक ही बात पकड़ के बैठे हुए हो कि एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए कैसे भी। अब पूरे समाज को ब्रह्मचर्य को लेकर सिर्फ भ्रमित कर सकते हो फिर तो। हाँ, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं कि बूंद का कोई महत्व नहीं है, है महत्व, लेकिन मात्र उसी चीज को ब्रह्मचर्य कहना, बार बार कहना, यह तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है, तुम भ्रमित हो, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य तो है ही, ध्यान ब्रह्मचर्य सिद्ध ही होगा ध्यान योग से। अर्जुन पाटिल जी, इंद्रजीत जी, वाईएन प्रधान जी, टी आर राठिया जी, ब्रह्म ही सभी देवताएं हैं, वाईएन प्रधान जी, सत्य और सत्य में क्या अंतर है, एक ही चीज है। प्राण ऊर्जा और प्राण वायु में, ऊर्जा अलग विषय है, वायु अलग विषय, वायु तत्व है, ठीक है। ऊर्जा गुणों के कारण पैदा होती है, ऊर्जा का पक्ष नकारात्मक सकारात्मक हो सकता है, ऊर्जा वेग है उसका, उसमें जब रजोगुण का प्रवाह होता है वायु में तो वह ऊर्जा आ जाती है उसके अंदर रजोगुण से, ठीक है। ऊर्जा गुण का होना है, ऊर्जा मतलब गुण है, ठीक, ये समझ लीजिए। तो आशुष जयराम जी, खुशी शर्मा, जयराम, संजय कुमार,
मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, पर मूर्ति पूजा करने से देवताओं को उनका भोजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से देवी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। कौन? तो ये किसने कहा कि मूर्ति पूजा करोगे तो हवन नहीं करोगे? ये कहीं कहा गया है क्या? नवरात्रों में पंडालों में अगर दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना होती है, पूजा होती है, तो क्या नवरात्रों का हवन लोग नहीं करते? यदि घर में भी लोग दुर्गा जी की का स्वरूप लगाकर अगर कलश स्थापना कर नवरात्रों का अगर पूजा करते हैं, 9 दिन करते हैं, तो क्या वो अंत में हवन नहीं करते? अग्निहोत्र के माध्यम से ही तो देवताओं का पेट भरेगा। ठीक, यह समझने की आवश्यकता है। तो अगर यह नहीं समझेंगे, इसीलिए आप दोनों को क्यों आप कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं? अगर मूर्ति पूजा हो रही है तो वहां हवन भी तो हो सकता है, और होता ही है, सब लोग करते हैं, तो इसीलिए यह कोई विवाद का विषय नहीं है। हाँ, देवताओं का दान अग्नि के माध्यम से होता है, तो वो तो वैसे ही होगा, वो उसी प्रकार से होगा, इसमें कोई संशय नहीं, और करते भी हैं लोग। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्ममय आचरण। जी सुबोध रैम्बो, गुरु जी सच्चे गुरु को कैसे ढूंढे? क्या आपको मैंने अपना गुरु मान सकता हूं? आपकी स्वतंत्रता है जी, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है। ये सायुज्य समीप्य, सायुज्य और कैवल्य क्या है आपके चैनल पर? इसके विषय में वीडियो नहीं, कैवल्य के बारे में भरा हुआ है, ठीक है, कैवल्य के बारे में भरा हुआ है। और ये सायुज्य समीप्य, सायुज्य और कैवल्य समाधि की यात्रा है भाई। ये कैवल्य का मतलब ही समाधि है, कैवल्य पाद पतंजलि का आखिरी पाद है, और आप कह रहे हो आपके चैनल पर वीडियो नहीं। कैवल्य पाद जाकर सुनिए, कैवल्य पाद आप जाकर सुनिए। सायुज्य क्या है? युज्य का अर्थ क्या होता है ये बताइए। युज्य का अर्थ, युज्य शब्द का, युज धातु से ही योग बना हुआ है। युज्य का अर्थ है समाधि, योग का अर्थ है समाधि, ठीक। तो इसीलिए वहां पर इसकी चर्चा भी है, सुनेंगे तो मिलेगा। गीता देव जी, अग्निहोत्र जरूर करें जी, करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो विचारों को विराम देंगे, आप सभी से विदा लेंगे। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में यहाँ उपस्थित होंगे, आगे बढ़ते हुए विषय के साथ। आप सब जुड़े बने और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाते रहने के लिए। बहुत बहुत आभार।